हेलो गाइज, वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको मैथ में अलजेब्रा का क्वेश्चन बताऊंगा। बच्चों, मैं कल अभी आपको बताया था, बच्चों मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिएगा। बच्चों, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। तो इसमें बच्चों हमको क्या करना है, बच्चों इसमें दिया है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो हमको एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बच्चों कैसे क्या सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों। अब देखो इसमें क्या करना है कि हमें फार्मूला मालूम है। बच्चों एक बार हम फिर फार्मूला आपको बता रहे हैं, क्या फार्मूला होता है, एक्स प्लस 1 अपान यक्स का होल क्यूब का फार्मूला होता है, यक्स क्यूब प्लस 1 अपान यक्स क्यूब प्लस 3ab। तो 3 में यक्स इंटू 1 अपान यक्स और यक्स प्लस 1 अपान यक्स हो जाए। अब बच्चों हमको क्या करना है, यक्स स्क्वायर का करना है, तो इसका हम पूरे का क्या करेंगे, होल क्यूब करेंगे। बच्चों तो क्या कर दो, पहले वाले का, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब करेंगे। तो इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, यक्स के प्लेस पे यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर और इसका पूरे का होल क्यूब करेंगे और इज इक्वल टू 6 का क्यूब कर देंगे। अब बच्चों इसमें हमको जब करेंगे तो क्या होगा, ए के जगह पे हमारा है यक्स स्क्वायर है और बी के प्लेस पे क्या है, ए के प्लेस पे एक्स स्क्वायर, बी के प्लेस पे हमारा है 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब हो जाएगा और प्लस बी क्यूब होगा, तो बी के जगह पे 1 अपान एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर देंगे और प्लस हो जाएगा 3ab। ए के जगह पे बच्चों हमारा क्या है, एक यक्स के जगह पे क्या है, यक्स स्क्वायर है और बी के, ए के जगह पे यक्स स्क्वायर और बी के जगह पे, तो 3ab होता है, तो 3 यक्स स्क्वायर और इंटू 1 अपान यक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, करना है हमको कि यक्स की पावर 6 के रूप में हमको ये वैल्यू लानी है। तो यक्स की पावर 6 क्या होगा, इसमें पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 क्या हो जाएगा, 6, यक्स की पावर 6 और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1 अपान यक्स की पावर 6 हो जाएगा और प्लस यक्स स्क्वायर से तो यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 6 है, यहाँ पे 6 रख देंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे इसको क्यूब करेंगे और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों हम 216 लिख देंगे, 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, 6 क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब बच्चों हमको क्या करना है कि यक्स की पावर 6 और प्लस 1 अपान यक्स की पावर 6 में हमको क्या करेंगे कि ये 216 में और 18 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 में से 8 घटा देंगे, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 होगा और ये हो जाएगा 198 हो जाएगा, 198 में 18 जोड़ेंगे 8 8 16 9 1 10 1 11, ठीक है, तो 198 आंसर हो जाएगा। तो यक्स क्यूब प्लस 1 अपान यक्स यक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 198 आएगा। तो बच्चों यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि बच्चों कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर सूचित करिएगा। जितने भी मेरे ऑडियंस मेरे चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। आप लोग जीवन में हमेशा प्रसन्न रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बस बच्चों आप लोगों का सहयोग और साथ चाहिए। बच्चों मैंने आर्यन एजुकेशन एप्लीकेशन को मेरे जरूर डाउनलोड करें, उस पर मैं क्लास 9 से लेकर करके 12 तक मैथ का कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों तब मेरे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। गुड आफ्टरनून, थैंक यू, आई टू वीडियो।